सोमवार को लखनऊ की एनआईए एटीएस कोर्ट ने गोरखनाथ मंदिर पर हमले के दोषी आतंकी मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है। मुर्तजा ने पिछले साल 4 अप्रैल को मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर बांका से हमला किया था, उनके हथियार छीनने की कोशिश की थी। 30 जनवरी को एनआईए एटीएस कोर्ट के विशेष जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सजा पर अपना फैसला सुनाया। 4 अप्रैल 2022 को इस मामले में विनय कुमार मिश्र ने गोरखनाथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विनय कुमार मिश्र के अनुसार गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवान अनिल कुमार पासवान पर मुर्तजा ने अचानक बांका से हमला किया था, जिसमें जवान गंभीर रूप से घायल हो गया था। मुर्तजा ने जवान की राइफल भी छीनने की कोशिश की थी, इस दौरान राइफल सड़क पर गिर गई थी। अनिल कुमार को बचाने के लिए दूसरा जवान आया तो जान से मारने के नियत से उस पर भी बांके से हमला कर दिया। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने किसी तरह घायल जवान अनिल कुमार को बचाया। इस दौरान बांका लहराते हुए व नारा ए तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हुए अहमद मुर्तजा पीएसी की पोस्ट की ओर दौड़ा। इससे लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। इसी बीच एक जवान ने मुर्तजा के हाथ पर एक बड़े बांस से प्रहार किया, जिससे बांका नीचे गिर गया। इसके बाद जवानों ने मुर्तजा को पकड़ लिया। मुर्तजा के पास से उर्दू भाषा में लिखी हुई एक धार्मिक किताब बरामद हुई थी। सरकारी वकील एम के सिंह के अनुसार विवेचना के दौरान हासिल साक्ष्यों के आधार पर धारा 16, 18, 20, 40 के तहत केस दर्ज किया गया। विवेचना एटीएस को सौंपी गई थी। एटीएस ने 25 अप्रैल 2022 को आरोपी को विशेष अदालत में पेश किया था। कोर्ट ने उसे एटीएस रिमांड में भेज दिया था। मामले की जांच कर रही यूपी एटीएस ने मुर्तजा को यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकी घोषित किया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है। दरअसल खुफिया एजेंसी ने 31 मार्च को ही यूपी पुलिस को 16 संदिग्धों की प्रोफाइल भेजी थी। इनकी विदेशों से संदिग्ध बातचीत हो रही थी व ट्रांजैक्शन हुए थे। उनमें एक नाम मुर्तजा का भी था। गोरखपुर में रहने वाला मुर्तजा के पिता मुनीर अहमद अब्बासी का दावा है कि 2 अप्रैल को उनके घर पर दो लोग पहुंचे थे। वे सादी वर्दी में थे। उन्होंने कहा था कि मुर्तजा की तलाश कर रहे हैं। उसके खिलाफ समन जारी हुआ है। कोई 35 लाख रुपए से जुड़ा मामला है। जब अब्बासी ने कागजात मांगे तो मुर्तजा को बुलाने के लिए कहा। कुछ देर बाद दोनों शख्स वापस चले गए। मुर्तजा के परिवार वालों के मुताबिक गाड़ी नंबर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता चला कि दोनों शख्स एटीएस के लोग थे। मुर्तजा के परिवार ने इसकी जानकारी उसे दी तो वह पूरी कहानी समझ गया। उसे पता था कि वह एटीएस की रडार पर आ चुका है और अब उसका बच पाना मुश्किल है। ऐसे में अगर एटीएस उस तक पहुंची तो उसके पूरे स्लीपर सेल नेटवर्क का पर्दाफाश हो जाएगा। उसने तत्काल अपनी डिटेल्स मिटा दी, फोन फॉर्मेट कर दिया और एक ऐसा हमला प्लान किया जिसमें पुलिस उसे गोली मार दी ताकि एटीएस को नए मामले में उलझाकर डाइवर्ट किया जा सके। मुर्तजा गोरखपुर के एक रसूखदार परिवार का इकलौता बेटा है। मुर्तजा की फैमिली सिविल लाइंस में रहती है। मुर्तजा ने भी किसी मामूली संस्थान से नहीं बल्कि आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग की है। यहाँ के स्टूडेंट्स बेहद शार्प और होनहार माने जाते हैं। उसके पिता कई बैंकों और मल्टीनेशनल कंपनियों के लीगल एडवाइज़र हैं। मुर्तजा अब्बासी के दादा गोरखपुर के जिला जज भी रह चुके हैं। 31 मार्च 2022 को खुफिया एजेंसियों ने 16 संदिग्धों की लिस्ट जारी की, जिसमें गोरखपुर के अहमद मुर्तजा अब्बासी का भी नाम था और उस पर नजर रखने के निर्देश जारी हुए थे। 2 अप्रैल 2022 को एटीएस टीम के सदस्य मुर्तजा की पड़ताल करने उसके गोरखपुर सिविल लाइन स्थित आवास पहुंचे। 2 अप्रैल 2022 को मुर्तजा को जानकारी मिली कि उसे एटीएस खोजने आई थी तो वह घर छोड़कर नेपाल भाग गया। 3 अप्रैल 2022 की शाम लगभग 7:30 बजे मुर्तजा नेपाल वाया बांसी गोरखपुर पहुंचा और गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया।
3 अप्रैल 2022 को मुर्तजा को पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उस पर 2 केस दर्ज कर 4 अप्रैल को ही उसे कोर्ट में पेश किया और कस्टडी रिमांड पर ले लिया। 11 अप्रैल 2022 को कस्टडी रिमांड पूरी हो गई, लेकिन जांच पूरी नहीं होने से एटीएस ने दोबारा कोर्ट में अर्जी देकर उसकी रिमांड बढ़ाने की अपील की। 16 अप्रैल 2022 को एटीएस ने मुर्तजा को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित कर जेल वापस भेजा था। 30 जनवरी 2023 को लखनऊ की एनआईए एटीएस स्पेशल कोर्ट ने मात्र 9 महीने में पूरे मामले की सुनवाई पूरी कर गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा को देश के खिलाफ जंग छेड़ने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई। Oh,
आपको कुछ बोलना है?